पिथौरागढ़ नगर के एचोली क्षेत्र में चल रहे गणपति महोत्सव के तीसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची रही। तीसरे दिन के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाज सेवी एवं होटल श्रेष्ठ के संस्थापक राम सिंह ने भगवान गणपति की प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रमों की शुरुआत की। उन्होंने गणपति महोत्सव आयोजित कर रहे युवाओं की सराहना की। आरती भजन कीर्तन के बाद सोनी कुमारी और करिश्मा घटाल ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किए। जीजीआईसी एचोली के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भागीदारी कर रहे हैं। हिलवेस कंपनी की हैवी ब्लास्टिंग से क्षतिग्रस्त हुई बगीचा सिनियाकोला सड़क का काम गुरुवार को भी शुरू नहीं हो सका। ब्लास्टिंग के चलते सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। गांव के 25 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला, लेकिन ग्रामीण सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण निर्माण सामग्री गांव तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। 600 से अधिक परिवार प्रभावित हैं। क्षेत्रवासियों ने समस्या के लिए हिलवेस और कार्यदायी संस्था NPCC को जिम्मेदार बताते हुए कहा है कि जल्द सड़क ठीक नहीं कराई जाती है तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। नारायण स्वामी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायण नगर में चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया है। प्राचार्य ने छात्रों को जूस पिलाकर आंदोलन समाप्त कराया। छात्र संघ अध्यक्ष अजय अवस्थी ने बताया कि सभी मांगों को कॉलेज प्रशासन ने मान लिया है। जिन 9 सूत्री मांगों के लिए हम महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वो लगभग हमारी सारी मांगें पूरी हो चुकी हैं। हम उसके लिए प्रशासन, महाविद्यालय प्रशासन का आभार व्यक्त करना चाहेंगे। मोष्टामानु महोत्सव के तीसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मची रही। मेला संयोजक वीरेंद्र सिंह बोरा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रमों का शुभारंभ मुख्य अतिथि रविंद्र सिंह बिष्ट मालदार ने दीप प्रज्वलित कर किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में इंजीनियर नवीन टोलिया, लोक गायक प्रहलाद मेहरा, उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर पुनेड़ा, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष कोमल मेहता, दुग्ध संघ के अध्यक्ष विनोद भट्ट, जगत सिंह मेहता आदि मौजूद रहे। गुजरात से आए पर्यटकों ने आकर्षक डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया। स्थानीय लोक कलाकारों और स्कूलों के बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियों से आयोजन में 4 चांद लगाए। कार्यक्रम को संपन्न कराने में प्रकाश जोशी, दिलीप वल्दिया सहित तमाम लोगों ने सहयोग दिया। संचालन कैप्टन दीवान सिंह वल्दिया, ललित शौर्य और जनार्दन उप्रेती ने किया। भारत से विस्फोटक सामग्री बनाने में उपयोग की जाने वाली सामग्री लेकर नेपाल पहुंची एक महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बैतड़ी जिले के DSP दीपक गिरी ने बताया कि महिला पुष्पा बोरा आलू के बोरे में 10 किलो सोडा और 2 किलो गंधक छुपा कर लाई थी, जबकि यह सामग्री एक देश से दूसरे देश में ले जाए जाने पर प्रतिबंध है। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला अनुसंधान शाखा को सौंपा गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुल पर तैनात भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर महिला नेपाल पहुंच गई। पिथौरागढ़ के मोष्टामानु मेले में लोक गायक कैलाश कुमार के गीत की वीडियो लॉन्चिंग की गई। मोष्टामानु मेला मा नाम से जारी इस गीत में संगीतकार रंजीत सिंह, निर्देशन राजू मैगी का है, गीतकार कैलाश कुमार हैं। खाद्य संरक्षा विभाग पिथौरागढ़ द्वारा न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में दायर वादों में से 2 वादों का निस्तारण कर दिया है, जिसमें खाद्य विक्रेताओं पर कुल 30,000 रुपए का जुर्माना आरोपित किया गया। पहले मामले में वल्दिया डेयरी के पनीर का नमूना जांच रिपोर्ट में अधोमानक पाया गया था। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा 3 अगस्त को संबंधित खाद्य विक्रेता पर मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें न्यायालय अपर जिलाधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता पर 15,000 रुपए का अर्थदंड आरोपित किया है। दूसरे मामले में खड़ायत मिल्क होम के गाय के दूध का नमूना अधोमानक पाए जाने पर उस पर भी 15,000 रुपए का अर्थदंड आरोपित किया गया। CHC मुंशियारी में आयुष्मान भव अभियान के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कृष्ण सिंह फरसवान की देखरेख में संचालित स्वास्थ्य मेले में 74 OPD पंजीकृत हुई। इसमें हाइपरटेंशन के 11, डायबिटीज के 5 मरीज मिले। स्वास्थ्य मेले में 25 लाभार्थियों के आभा ID बनाई गई और 60 से अधिक लाभार्थियों के द्वारा ई रक्तकोश पोर्टल में पंजीकरण कराया। आयुष्मान भव कार्यक्रम के तहत 23 सितंबर को गंगोलीहाट और 25 सितंबर को मुंशियारी में हेल्थ मेले का आयोजन होगा। यह जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HS हयांकी ने बताया कि शिविर में बाल रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन, डेंटल सर्जन सहित विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद रहेंगे। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से शिविर का लाभ उठाने की अपील की। लोहाघाट पुलिस ने स्कूल वाहनों की चेकिंग के दौरान खेतीखान रोड में वाहन UK03TA0025 को क्षमता से अधिक स्कूली बच्चों को ढोने पर सीज कर दिया गया। थानाध्यक्ष मनीष खत्री ने सभी बच्चों को अपने स्तर से स्कूल भेजा।
चालक के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। बीती रात 10 बजे फायर यूनिट धारचूला को गोठी से आगे आईटीबीपी कैंप के पास एक गाड़ी फंसने की सूचना मिली। इस पर लीडिंग फायरमैन कृष्ण सिंह गुंजियाल के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम उपकरणों के साथ घटनास्थल पर पहुंची। नदी साइड में फंसी कार को एनडीआरएफ की मदद से संयुक्त रूप से रेस्क्यू करते हुए बोलेरो से खींचकर सुरक्षित स्थान पर लाया गया। वाहन में गणेश चंद निवासी डूंगातोली जौलजीबी व एक अन्य व्यक्ति सवार थे, जिन्हें सकुशल उनके गंतव्य स्थल की ओर रवाना किया गया। उन्होंने रेस्क्यू टीम का आभार जताया। भोजन माता संगठन की अध्यक्ष जानकी भंडारी ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के बीते दिन पिथौरागढ़ आगमन पर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मानदेय 15,000 रुपये करने, 5,00,000 रुपये का बीमा करने, पूरे साल का मानदेय देने की मांग उठाई। ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे 10,000 रुपये के इनामी अपराधी को पुलिस ने हावड़ा से गिरफ्तार कर लिया। आर्मी कैंप चरमा निवासी प्रेमपाल सिंह ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ 1,04,000 रुपये के ऑनलाइन ठगी कर ली है। पुलिस ने इस मामले में साइबर सेल की मदद से असीम मंडल निवासी पश्चिम बंगाल को पूर्व में ही गिरफ्त में लेकर 41 CRPC का नोटिस तामील कराया था, लेकिन वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह बार बार ठिकाने बदल रहा था, जिस पर न्यायालय ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। पुलिस अधीक्षक ने उस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। पुलिस टीम ने साइबर सेल की मदद से असीम मंडल को हावड़ा से पकड़ लिया। पुलिस उसे पिथौरागढ़ ले आई है। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।